सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली मैंने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 देख ली एंड देखो कोटा फैक्ट्री का मैं बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ इसके वर्ल्ड से, कैरेक्टर से, बिकॉज मैं खुद कभी ये सब करना चाहता था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग फिर ठिकाने पर आ गया एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं शायद इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाऊँगा और शायद पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा उस लेवल पर जिस लेवल पर ये नीट और जेई के बच्चे तैयारी करते हैं, वो शायद मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए मैंने फिर अपना वो नीट एंड जेई वाला डिसीजन वो छोड़ दिया एंड इनफैक्ट मैंने जो मेरी स्ट्रीम थी उसको भी चेंज कर लिया। तो खैर मैंने कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 देख लिया है एंड जैसा मैंने कहा कि मुझको ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही अच्छी लगती है एंड इसका जो सीज़न 3 है ये भी पर्सनली मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखो इसमें जो बात हो रही है सीज़न 3 के अंदर वो जो नॉर्मल जो स्टूडेंट लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो इन्फैचुएशन होती हो या जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हो, कभी कभार सिलेबस को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, टाइम पे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, रिवीजन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस सीज़न में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि बच्चे परेशान होते हैं वो जीतू भैया के पास जाते हैं एंड जीतू भैया के पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन है तो वो फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं। तो मेनली फोकस इन्हीं चीज़ों के ऊपर रखा गया है लेकिन कुछ इमोशनल सीन्स भी हैं, जैसे कि जीतू भैया शायद एमर्स छूट करके चले जाते हैं। अब वो जाते हैं या नहीं जाते हैं ये जब आप सीज़न 3 देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड क्या जो ये बच्चे हैं उनका मेंस का एग्ज़ाम होता है एंड उसके बाद फिर क्या वो पास होते हैं या नहीं एंड फिर एडवांस का एग्ज़ाम होता है जी एडवांस, उसमें उनका क्या होता है ये आपको सीरीज़ देख करके पता चलेगा। लेकिन लास्ट के जो एपिसोड हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है एंड ये आई थिंक ये लोग करना चाहते थे इमोशनल, इसीलिए जीतू भैया जो है उनका एक एंगल डाला गया है कि वो अब कोटा छोड़ करके यानी एमर्स छोड़ करके जा रहे हैं जो उनका इंस्टीट्यूट था। लेकिन जो लड़के थे जो बच्चे थे सीरीज़ में उनका क्या होता है, क्या वो अपना एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेते हैं, क्या उनको IIT मिल जाती है, ये जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी राइटिंग की बात करूँ तो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग लगा एंड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगा इसकी स्क्रीन राइटिंग में, बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के इन लोगों ने एक एक एपिसोड बनाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग और कहीं पे भी बोर फील तो नहीं कराता है एंड परफॉर्मेंस भी सभी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं। बिकॉज सीज़न 1 और 2 में जिन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी थी सीज़न 3 में भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी ही है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लगता है कि हाँ भाई ये कैरेक्टर लिखा ही गया था कि इसको ये वाला एक्टर प्ले करेगा। सो परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सभी की। मयूर मोरे जिन्होंने वैभव का रोल प्ले किया है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड उसकी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अभी तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जो उसकी जर्नी रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है, तो वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बाकी जितेंद्र कुमार उन्होंने जिस तरीके से जीतू सर के यानी जीतू भैया के रोल को प्ले किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा सही है एंड अब वो सीज़न 3 में एमर्स छोड़ करके जा रहे हैं जो आप जब देखोगे सीरीज़ तो आपको पता चल जाएगा। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था लास्ट एपिसोड में। सो ओवरऑल तो मुझे बहुत ही अच्छी सीरीज़ लगी ये सीज़न 3। बाकी अब वेट कर सकते हैं कि ये लोग सीज़न 4 में क्या लेकर के आएंगे। सो मैं कोटा फैक्ट्री के सीज़न 3 को दे रहा हूँ 3.5 out of 5 स्टार्स एंड आप लोग ज़रूर जाओ देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो और आप लोगों ने सीज़न 1 एंड सीज़न 2 देखा है तो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए एंड अगर नहीं देखा है तो सीज़न 1 सीज़न 2 सीज़न 3 दोनों देख लो, आपको मज़ा आने वाला है। ये रिव्यू पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।